मध्य प्रदेश खरगोन जिले की तहसील गोगांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम दयालपुरा में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी नर्मदा जयंती के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। 22 जनवरी से प्रतिदिन नर्मदा पुराण और नर्मदा महायज्ञ संगीतमय चल रहा था, जिसका 27 जनवरी 2023 को समापन हुआ। पश्चात 28 जनवरी को सुबह नर्मदा जी का अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। मंदिरों को फूलों से सजाया गया। पूजा अर्चना के बाद कन्या भोजन करवाया गया। तत्पश्चात विशाल भंडारा प्रारंभ हुआ। भंडारे में ग्राम सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में भक्तगण मां नर्मदा का दर्शन कर प्रसादी लेने पहुंचे। गोगांव से संवाददाता इकबाल हकीम की रिपोर्ट। नर्मदा जन्म महोत्सव सर्वप्रथम तो अनादि काल से इस पावन धरा पर जड़ जीव और चैतन्य को पल्लवित और पुष्पित करने वाली पुण्य सलीला माँ नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर तमाम नर्मदा भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, ये हमारे ग्राम दयालपुरा में पिछले 17 वर्षों से हम हर नर्मदा जयंती पर नर्मदा प्राकोटोत्सव के रूप में एक आयोजन करते हैं, जिसमें सप्त दिवसीय नर्मदा महायज्ञ, नर्मदा पुराण और उसके पश्चात एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें तमाम इस गांव और गांव के आसपास के तमाम नर्मदा भक्त बड़ी संख्या में आकर प्रसाद का लाभ लेते हैं और मां नर्मदा जी की पूजा अर्चना करते हैं। आपका शुभ नाम? दिनेश यादव, दयालपुरा। यह कार्यक्रम यादव सकल पंच दयालपुरा की ओर से आयोजित किया जाता है, जिसमें तमाम ग्राम के छोटे से लगाकर बड़े वरिष्ठ जनों तक युवा साथियों का बड़ा सहयोग प्राप्त रहता है। मैं पुनः माँ नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।